नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। और आज की जो खबर है, ऐसी खबर हमने पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई है कि किस तरीके से जो लुटेरी दुल्हने हैं वो किसी परिवार को शादी के नाम पर कंगाल करके चली जाती हैं। आज की खबर बुहाणा के बड़बर गाँव से है। बड़बर गाँव के रहने वाले हरपाल सिंह, जो अलवर के भिवाड़ी में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, वहाँ उनकी पहचान किसी एक ऐसे आदमी से हुई जिसका नाम जमील है। उससे उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है। जमील ने कहा कि मैं आपके ही समाज की लड़की के साथ शादी करवा दूंगा, लेकिन आपका खर्चा लगेगा। और इस तरीके से उनके बीच एक सौदेबाजी तय होती है और उस सौदेबाजी में 6 लाख रुपए हरपाल से ले लिए जाते हैं। और उसके बाद एक साधना नाम की लड़की से उनकी शादी भी करवा दी जाती है, जो अलवर के ही टपुकड़ा की रहने वाली है। उसके बाद लगभग 15 दिन बाद ही वो लड़की अपने परिजनों के साथ चली जाती है, और जाते जाते उनके घर से कुछ नकदी, जेवरात और वो सारी की सारी चीज़ें लेके वहाँ से निकल लेती है। काफ़ी दिन तक जो हरपाल है और उसके जो परिजन हैं वो कोशिश करते हैं, जो बीच में दलाल था उससे बात करते हैं कि जो दुल्हन थी वो वापस लौटकर नहीं आ रही है, उससे बात की जाए। और वो उधर से कहते रहे कि आ जाएगी, आप वेट करो। और अंत में वो ये जवाब दे देते हैं कि हम तो नहीं भेजेंगे, आपको जो करना है वो कर लो। अब पीड़ित युवक हरपाल सिंह ने बुहाणा थाने में मामला दर्ज करवाया है धोखाधड़ी का, कि उसके 6 लाख रुपये तो शादी के नाम पर एंट लिए गए और उसके अलावा लाखों रुपए लेकर वो फरार हो गई है। मैं आपको ये खबर इसलिए दिखा रहा हूं कि हमने पहले भी आपको आगाह किया था कि शादी एक पवित्र बंधन है, जहां पैसों का लेन देन करके किसी लड़की को खरीद के उसकी शादी करवा देना, ये शादी नहीं होती, ये वास्तव में एक सौदेबाजी होती है, एक डील होती है। आप एक चीज़ को, एक वस्तु को खरीद के ला रहे हो। आप इन चक्रों में कभी नहीं पड़े हैं। हमारे समाज में, हमारे शहर में, हमारे आसपास इतने दलाल ऐसे घूम रहे हैं जो आपको, आपकी जो दुख तिरग है, आजकल जो युवाओं की शादी है वो नहीं हो पा रही, और जो दुख तिरग है उस पर सीधा हाथ रखते हैं, आपसे कहते हैं कि आपकी शादी करवा देंगे लेकिन खर्चा लगेगा, और आप उनके बहकावे में आके शादी के नाम पे उनको पैसे दे देते हो। किसी भी लड़की से कहीं से ढूंढ ढांड के और किसी लड़की से उनकी शादी करवा दी जाती है, और जब शादी हो जाती है उसके 10-15 एक महीने बाद वो आपके घर को कंगाल करके वहां से भाग जाती है, और आप सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे देखते रहते हैं। पुलिस में आप रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन ऐसे मामलों का निपटारा ना तो जल्द होता है, ना आपके जो हानि हुई है, आपके जो नुकसान हुआ है, ना उसकी कहीं भरपाई होती है। मैं एक बार फिर आपको कहना चाहूँगा कि शादियाँ नहीं हो रही, ये वास्तव में हमारे समाज के लिए बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन इस तरीके से जो दुल्हने खरीद के जो लोग लेके आ रहे हैं, वो भविष्य में आपके घर पर नहीं टिकने वाली हैं, इस बात पर आप ज़रूर गौर कर लीजिए। हमारे समाज को भी ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर इस तरीके से जो चलेगा तो कैसे युवाओं की शादियां होंगी, और नहीं होंगी तो वो इस कदर लूटे जाएंगे, और जो लुटेरी दुल्हन और इस तरीके का काम करवाने वाले जो दलाल हैं उनसे अगर आप दूर रहेंगे तो ही बेहतर होगा। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, और किस तरीके से ऐसी जो लुटेरी दुल्हन हैं और जो दलाल हैं उनसे बचा जा सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।